नमस्ते डियर पेरेंट्स, टीचर्स, दीदी भैयाज एंड माय डियरेस्ट डियरेस्ट स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुनीश शर्मा एंड ऑन बिहाफ ऑफ विजडम फैमिली आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस आवर फर्स्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन। टुडे इज द फेस्टिवल ऑफ तीज एंड तीज इज ऑल्सो द फर्स्ट फेस्टिवल आफ्टर द समर वेकेशंस। दिस इज द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम वेटिंग फॉर द कॉल कि सेलिब्रेशन का टाइम है। Listening to the house music, you must have entered the school seeing the decorations symbolizing the festival, the energy, the celebration. This year it's a bit different. This year we have a new normal. And in this new normal, all of us had to prove each other something. And so we did. Our virtual classes are going brilliantly. Your periodic tests are going on. Assemblies have started and today is our first virtual celebration. Yes, before I begin the show, I would also like to welcome our newest audience, our dear parents. Thanks to the virtual celebrations that our parents can also watch our celebrations and be a part of it. Be the cheerful and wonderful audience that you've always been. Now, let's all get together, the same energy as we always do, the hands together and welcome our first virtual celebration, the festival of Tej, which is called Masti Ke Rang, Tej Ke Sang. Zordar taaliyon se swagat kijiye. Happy, happy Tej to everyone. Sydney Ghever Jhula Mehendi. Rim Jhim Ki Fuhar. Geet Gata Laya Sawan. Tej Ka Tehwar. आप सभी को हमारी प्यार भरी नमस्ते और तीज के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। रिम झिम बूंदे बरसने लगी हैं। चारों ओर एक अजीब सी मस्ती सी छाई हुई है। पेड़ पौधे नए नए से धुले धुले से लगने लगे हैं और ऐसे में तीज का त्योहार सावन के महीने पर चार चांद लगा देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का तीज सेलिब्रेशन आप सबकी खुशियों को और भी दुगना कर देगा। अच्छा माला दीदी, एक बात तो बताओ कि आज के तीज सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या प्रोग्राम लाए हो? दीदी सर बेटा, वो तो हर साल की तरह बिल्कुल तैयार है। हमने इस बार भी अपने बच्चों के लिए कुछ खास प्रोग्राम तैयार किए। अरे माला दीदी, किस प्रोग्राम की बात कर रहे हो? मुझे भी तो कुछ समझाओ ना। बेटा बात ऐसा है, हर साल तीज में हम दीदी भैया के तरफ से एक शानदार प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें उस प्रोग्राम में बच्चे भी हमारा साथ देते हैं। ये तो बड़े कमाल की बात है कि हर साल आप लोगों की तरफ से परफॉर्मेंस दी जाती है। इसका मतलब जितना सुंदर प्रोग्राम आज हम देखने जा रहे हैं, आप हर साल वैसा ही प्रोग्राम करते हो। हाँ दिशा दीदी, हर साल भैया दीदी की तरफ से तीज का प्रोग्राम हम सभी बच्चों के लिए एक शानदार तोहफा होता है। अरे रीटा दीदी, आप चुप क्यों हैं? कहीं फिर से अपने डायलॉग तो नहीं भूल रही ना? अरे नहीं नहीं दिशा दीदी, ऐसी बातें मत करो। रीटा दीदी कोई अपने डायलॉग नहीं भूलती है। हाँ, उन्हें बस थोड़ी सी नींद आ जाती है बीच बीच में। देखो बेटा, आप दोनों हमारी रीटा दीदी की टांग ना खींचो, उसे सब याद है। डायलॉग तो छोड़ो, वो तो गाती भी है। अच्छा तो रीटा दीदी, सावन का महीना है और तीज का त्योहार, ऐसे में जब तक आप कुछ गाकर नहीं सुनाओगे नहीं चलने वाला। कुछ गाकर सुनाओ। हाँ हाँ रीटा दीदी, कुछ तो सुनाओ ना। तो चलो तुम भी क्या याद रखोगे, दो लाइन सुनाई देती हूँ। सावन का महीना पवन करे सोर जियर। अरे बाबा सोर नहीं सोर। सावन का महीना पवन करे सोर जियर रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सुना आप सभी ने, ये था सावन के महीने का एक छोटा सा ट्रेलर। लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं
वो है हमारे विजडम स्कूल की तरफ से एक प्यारी सी म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे आज के पहले प्रोग्राम का। मांगे तो क्या हुआ माला? अरे दीदी,
कहते हैं ना, खाली पेट भजन ना हो। खाली पेट भजन, ये सब क्या है, कोई तो समझाओ। अरे बेटा, हमारे हरियाणा में त्योहार हो और खाना पीना ना हो फिर कैसा त्योहार भाई। दिशा दीदी, बात तो सही है। पता है, मैं कल बहुत दिनों के बाद बाजार गई और बाजार में तरह तरह की मिठाइयां देख मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। रुको रुको, कंट्रोल भाई कंट्रोल। आप सभी की उत्सुकता को शांत करने के लिए आ रही है इप्सिता और उसकी फैमिली, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरी प्यार सी नमस्ते। अरे अरे, आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं इप्सिता अपने विजडमवर स्कूल की छठी कक्षा की छात्रा हूँ, लेकिन मैं आज आपको किसी और से भी मिलवाती हूँ। देखो कैसे चहक रही है ये दोनों। मिलिए मेरी दादी माँ और मेरी मम्मा से। मम्मा, दादी माँ, आप मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स और दीदी भाइयों को कुछ कहना चाहते हो? आप सबको हमारी तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मेरी फैमिली आप विजडम फैमिली के साथ तीज सेलिब्रेट कर रही है। अच्छा दादी माँ, वैसे तो हम तीज पे घेवर और फिरनी खाते हैं, पर इस बार तो आप हमें कुछ खाने ही नहीं दोगे बाहर का, तो आपने कुछ बनाया है क्या हमारे लिए? डोंट वरी इप्सिता, दादी माँ और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज डिश प्लान की है। वाओ, सरप्राइज! मैं भी सर आपको की बधाई देती हूँ। मैं नई डिश बनाना बताती हूँ आपको। नारियल के लड्डू बनाए हैं। कढ़ाई को पहले गैस के ऊपर रखेंगे, उसमें थोड़ा घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे, उसके बाद नारियल का बुरादा डाल के उसको भूनेंगे, फिर दूध डालेंगे, दूध और चीनी इकट्ठी डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। गाढ़ा होने के बाद नीचे उतार देंगे, नीचे उतारते इसको लड्डू बनाएंगे। लड्डू बना के इसको फिर ठंड खाने के लिए देखना स्वादिष्ट कितने स्वाद है ये लड्डू। वाओ, ये रेसिपी तो बहुत ही इजी है, ये तो मुझे भी समझ में आ गई। पहले ग्रेटेड कोकोनट को भून दो और फिर दूध और चीनी में पका दो और फिर उसे ठंडा करके उसके गोल गोल लड्डू बना लो। वाओ, बहुत ही इजी रेसिपी है ये तो। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। चलो सारे लड्डू मैं ही खा लेती हूँ। ये है देखकर आप सब लोग भी अपने अपने घरों में कुछ तो नया जरूर ट्राई करेंगे। देखिए, सावन का गीत भी गा लिया, घर को सजा भी लिया और रसोई भी तैयार हो गई। तो अब बारी आती है कुछ नया धमाल करने की। बिल्कुल सही समझे आप। जब तक तीज के त्योहार पर डांस ना हो, तड़कता फड़कता फिनाले ना हो, तब तक सेलिब्रेशन अधूरा ही लगता है। क्यों माला दीदी? हाँ बेटा, हम दीदी भैया की तरफ से ये डांस का प्रोग्राम ही तो तीज का खास तोहफा है। फिर भला हम इस बार की तीज कैसे खाली जाने देते? तो चलो बच्चों, देखते हैं तीज त्योहार की खास झलक हमारा डांस देखते हुए। अगर आपका भी मन झूम उठे तो मौका मत गवाना, हमारे साथ मिलके अपने अपने घर में ही झूमना। देखो रीटा दीदी, मैं अपने स्कूल के बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे डांस हो चाहे म्यूजिक, और उनके बैर ना छिड़के ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, हो जाए तैयार अंतिम और मस्ती से भरपूर एक बहुत ही अच्छा डांस प्रोग्राम। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी का। घर नहीं आवे हो
सखी सुन। अरे सुना। गीतों की मोजाई फूलों की पोचाई, जेठ मास मा पपीहा बोलन की रुताई। अरे सखी कैसे? अरे ऐसे। जेठ मास की लुहार जीती जेठ मास की, जेठ मास की लुहार जीती। अब सुरंग रुत आई रे, अब सुरंग रुत आई रे पपीहरा, अब सुरंग रुत आई रे, रुत आई रे, रुत आई रे पपीहा थारे बोलन की, रुत आई रे, रुत आई रे पपीहा थारे बोलन की, रुत आई रे। अरे रे सखी क्या हुआ? अरे आज हमारे आंगन में बज रहे हैं ढोल और खुशियों की आई है बहार, तो आओ सबको मुबारक हो हमारी तरफ से तीज का त्योहार। गंगा परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, परंतु हम अपने तीज त्योहारों को हमेशा से धूमधाम से मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। ये तीज त्योहार ही तो है जो हमारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आती है और हमारी जिंदगी को प्यार की रंगों से भर देते हैं। आप सभी को हम सभी की तरफ से तीज के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, गाते रहिए, घर को सजाते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते। हैप्पी तीज।